असरुल्लागंज क्षेत्र के ग्राम पलासी कला की एक छात्र एवं छात्रा जो चीन से अपने घर लौट आए हैं। सरकार के आदेशानुसार BMO मनीष सरस्वत नसरुल्लागंज के द्वारा छात्र और छात्रा का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण करने पर किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए हैं, जिसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। बुधनी से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं और ये जो दो बच्चे जो अपने तहसील नसरुल्लागंज में आए हैं, ये शासन द्वारा जो 31 दिसंबर 2020 से लेकर 29 जनवरी 2020 तक चीन से जो आए हुए अपने यात्रियों में ये दो बच्चे पढ़ने गए थे, वहाँ से ये बालक आए हैं और वही बालकों का अपन स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर रहे हैं और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं और सावधानी के बारे में उनको उचित मार्गदर्शन हम परिवार को एवं आसपास के व्यक्तियों को दे रहे हैं। तो सर उसमें कुछ लक्षण पाए गए क्या? उसमें इस प्रकार के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं अभी तक। अभी तक जो जानकारी हमारे द्वारा जो हमारा स्वास्थ्य अमला ने अभी तक उसको फॉलोअप किया, उसमें ऐसा कोई भी ऐसा उनको इस तरह का कोई भी उनको सर्दी खांसी बुखार एवं सांस लेने तकलीफ कोई भी नहीं पाई गई है। आपको मालूम ही है कि राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जितने भी ऐसे संदिग्ध, जिसको कहना चाहिए, जिनका कांटेक्ट चाइना से रहा हो, चाहे वो घूमने फिरने के लिए गए हों या वहाँ पर कोई पढ़ रहे हों या किसी और कारण से व्यावसायिक कारणों से वहाँ की यात्रा की हो, उनकी सबकी एक सूची बनाकर और उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है, जिससे हमारे क्षेत्र में इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। कल भी हमारे अमले ने उनको उनके घर पर जांच की थी और न सिर्फ उन बच्चों के बल्कि उनके जो साथ में परिवारजन हैं उन पर भी पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।